हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको राहु महादशा के विषय में बताना चाहता हूँ कि राहु महादशा क्या होती है। राहु की महादशा सामान्यतः 18 वर्ष की होती है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। तो राहु महादशा बताने के पहले मेरे को महादशा के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देना बहुत महत्वपूर्ण लगता है जो मैं दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। आपका जन्म नक्षत्र काल चक्र की गणना हेतु जो कि 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा के रूप में वर्णित है, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर किस समय किस ग्रह की दशा चल रही है यह पता किया जाता है, जो भविष्य कथन हेतु महत्वपूर्ण होता है। नवग्रहों की दशाएँ महादशा के रूप में जानी जाती है। दशा जब प्रारंभ होती है या अंत होता है या दशा का अंत होता है उस समय को दशा छिद्र कहते हैं। वह समय कष्टकारी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे कि आपकी 18 वर्ष की दशा राहु की महादशा है, जब ये राहु की दशा प्रारंभ होगी तब बड़ा कष्ट होता है और ये जब इसकी दशा का अंत होता है तब बहुत कष्टकारी समय होता है। ये सभी ग्रहों के मामले में लागू होती है, चाहे वह शनि की दशा हो या गुरु की हो या चंद्रमा की या बुध की या सूर्य की या केतु की। कोई भी ग्रह की दशा जब प्रारंभ होती है तो थोड़ा कष्ट होता है और जब दशा आखिरी में अंत होता है दशा का तो भी कष्ट होता है। उसको दशा छिद्र कहते हैं, जो कष्टकारी समय होता है। ये आपको नोट करके रखना चाहिए, है ना। हिंदू ज्योतिष में 45 जेमिनी पद्धति की दशा जो कि राशि दशा कहलाती है और 44 नक्षत्र दशा ऋषि पाराशरकृत है। इसी 44 में से एक विंशोत्तरी दशा कहलाती है। ज्योतिषी का महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने का एक तरीका होता है। सामान्यतः सभी ज्योतिषी विंशोत्तरी दशा का उपयोग करते हैं और जो जेमिनी पद्धति की 45 दशाएं हैं जो राशि दशा कहलाती है उसका उपयोग करने वाले ज्योतिषी हिंदुस्तान में बहुत गिने चुने हैं या कम है। देखिए, एक जो महादशा है उसको 9 भागों में बांटा गया है। फिर उसका 9 भागों में बांटते हैं तो अंतरदशा कहलाती है। जब इस अंतरदशा को 9 भागों में बांटते हैं तो प्रत्यंतर दशा कहलाती है। जब ये प्रत्यंतर दशा को 9 भागों में बांटते हैं तो सूक्ष्म दशा कहलाती है। और जब ये सूक्ष्म दशा को 9 खंडों में बांटते हैं तो प्राण दशा कहलाती है। तो हिंदुस्तान में ज्योतिष विद्या इतनी विकसित थी कि उसका बिल्कुल एग्जैक्ट घटना का समय जानने के लिए सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक ही निकालते थे ज्योतिषी, जिससे कि प्रडिक्शन बिल्कुल सही आता था। वर्तमान में सामान्यतः जातक की कुंडली सही नहीं होने के कारण महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक का ही उपयोग होता है। बहुत कम ज्योतिषी जो है सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पे काम करते हैं और बहुत जानकारी नहीं हो जानकारी और प्रडिक्शन देने के तरीके नहीं होने के कारण कई चीज़ें इसमें सही सही नहीं निकल पाती। लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पे भी काम करते हैं और उस पे उससे भी प्रडिक्शन देते हैं। सामान्यतः हम लोग जो प्रडिक्शन के लिए महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म दशा प्राण दशा का उपयोग नहीं होता क्योंकि जन्म का समय सही नहीं होता है। देखिए, विंशोत्तरी जो दशाएं हैं वो इस तरीके की होती है, जैसे मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, बुध की 17, केतु की 7, है ना, शुक्र की 20 वर्ष की, सूर्य की 6 वर्ष की, चंद्र की 10 वर्ष की। इस तरीके की विंशोत्तरी दशाएं होती है। इसके बाद इसी का जो है महादशा के बाद अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इस तरीके से दिखाया जाता है कुंडली में निकाल के। सामान्यतः ग्रह अपनी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा प्राणदशा सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य हैं, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच है उच्च है, शत्रु है या मित्र राशि में, इसी आधार पर ग्रह अपने फल देते हैं। राहु यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, यदि बुरे भाव या खराब स्थानों का होगा या खराब दृष्टि में होगा तो निश्चित रूप से फल खराब देगा, ठीक है। इसके पहले कि हम राहु के बारे में जाने तो राहु के कारकत्व के बारे में जान लेते हैं। ये राहु का कारकत्व है, जैसे कई बीमारियों का शरीर में कैसी बीमारी देगा, ये राहु का कारकत्व चिकित्सा संबंधी कारणों से आधार पे है। तो ये चीज़ आप लोग बड़ी आसानी से इसमें देख सकते हैं अपने वीडियो को ब्रेक करके, इसमें ज़्यादा समय जाएगा इसीलिए इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। यह भी राहु के कारकत्व है, ये सब राहु के कारकत्व है, शरीर में, प्रकृति में, सामग्री में, है ना, विविध इस तरीके से राहु के कारकत्व जो आप वीडियो रोक के इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये राहु की यदि किसी की दशा होगी तो 18 वर्ष की होगी, तो राहु की जब दशा चलेगी तो सबसे पहले राहु में राहु की दशा चलती है, फिर गुरु की, फिर शनि की, बुध की, केतु की, शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, ये इस प्रकार से दशा
क्रम होता है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा और राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा के बारे में बताएंगे, क्योंकि आगे बताने से बहुत लंबा हो जाएगा। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल यह है, जब कर्क वृश्चिक कन्या धनु राशि में तथा लग्न से 3, 6, 10, 11 में या लियोग ग्रह के साथ अपने उच्च और आदि शुभ स्थान में हो, तो राहु अपनी दशा में और अंतर्दशा में राज लाभ, उत्साह, राजा से प्रेम, स्त्री पुत्र आदि सुख संपत्ति की वृद्धि करता है। यदि आपकी राहु में राहु की महादशा चल रही है, यदि आपका राहु कर्क वृश्चिक कन्या और धनु राशि में बैठा है, जैसे मैंने इसको बिठा रखा हूँ, आप देखिए कर्क में, कन्या में, धनु में और धनु राशि में ये बैठ इस तरीके से बैठा रखा है, ठीक है। यदि ऐसे बैठेगा वृश्चिक में, ये ऐसा है, और दसवा और ग्यारहवा राहु होगा और अच्छी स्थिति में प्लेसमेंट में राहु होगा, ये केंद्र स्थान पे यहाँ बैठा राहु, ठीक है, तो निश्चित रूप से योग कारक होने के कारण शुभ फल देगा। यदि राहु अपने उच्च शुभ स्थान में हो, अच्छी स्थिति में होगा, तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा तो अच्छा ही होगा, कई प्रकार की आपकी तरक्की होगी, इसमें कोई बताने की बात नहीं। अच्छे फल देगा तो क्या क्या हो सकता है। राहु यदि लग्न से 8-12 में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, तो चोर भय व्रण से व्रष्ट कष्ट होगा, कोई आपको घाव हो सकता है, राजाधिकारी से द्वेष, मतलब जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको सरकार में अधिकारी में हैं या सरकार में सरकारी नौकरी से में हैं तो राजदंड मिल सकता है, या आप जिस जॉब में भी होंगे तो आपके बॉस आपको कोई पनिश कर सकते हैं, इष्ट बंधुओं का नाश, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट हो सकता है। देखिए यदि राहु 8वें स्थान पे हो और 12वें स्थान पे हो, तो राहु में राहु की महादशा हो और राहु 8वें स्थान पे हो या 12वें स्थान पे, तो कष्ट होता है। ये सारी लग्नों पे अप्लाई होता है, ये मेष लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ, लेकिन सारे लग्नों की कुंडली पे ये फार्मूला आपको अप्लाई करके देखना होगा। राहु की महादशा में राहु के अंतर्दशा का फल, यदि राहु द्वितीय सप्तमेश के साथ हो, तो या इन दोनों के साथ स्थान यानी दूसरे और सातवें स्थान में हो, तो रोग कष्ट होता है, इसलिए उस समय राहु की आराधना, जप, दान आदि शांति करने से आरोग्य का लाभ होता है। देखिए राहु यदि द्वितीय, ठीक है, ये दूसरे स्थान पे हो, यदि ये यहाँ पे, ये राहु को इस तरीके से मैं हटाता हूँ, ये द्वितीय, ये दूसरा स्थान और ये आठवां स्थान, यदि द्वितीय और सप्तमेश, ये सातवां स्थान, ठीक है, यदि यहाँ द्वितीय और सप्तमेश में के साथ हो या इन पे इनकी दृष्टि पड़ती हो, ये दोनों स्थान भी मारक स्थान माने जाते हैं, दूसरे और सप्तम स्थान पे यदि राहु होगा तो भी आपको बहुत कष्ट होगा, और ऐसी स्थिति में आपको आराधना में जप करना पड़ेगा, शिव का जप करना पड़ेगा, ठीक है, दान और शांति दान आदि करने होंगे, ये बताया। देखिए कहीं पे भी ऋषि हो पाराशर ने कहीं पे भी नग्न गिने की बात नहीं की है, तो इसलिए आप परेशान ना हो, ना अपना धन बर्बाद ना करें और ना महंगी पूजाओं के चक्कर में चले के, जो ईश्वर का भोग्यमान है, जो प्रारब्ध है, वो तो होता है, चाहे आप सिर काट लो तो होना है तो होएगा। हाँ, यदि आप प्रार्थना करोगे तो जो मारकता है, जो आपको अनहोनी होने वाली है, जो प्रॉब्लम होने वाली, उस कष्ट में कमी होती है, तो निश्चित रूप से शुद्ध आराधना करना चाहिए, और क्या आराधना करनी चाहिए उसके पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ, आपको बताऊँ आगे भी बता दूंगा कि क्या आराधना करना चाहिए। जैसे आगे बताया कि शिव सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का ऐसी स्थिति में पाठ करना चाहिए, या नवग्रह शांति स्त्रोत का पाठ, या राहु का ही मंत्र आप पढ़ सकते हैं, तो भी आपसे इसमें लाभ मिलेगा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल, राहु की दशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो गुरु स्वराशि उच्च स्वरांश में स्वांश में लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ शत्रु का नाश सुख, केंद्र त्रिकोण में हो तो लाभ की स्थिति में हो, शत्रु का नाश सुख, राजा से प्रेम, सुख संपत्ति की वृद्धि, वाहन गोधन का लाभ, नैऋत्य और पश्चिम दिशा से यात्रा से राज, इस तरीके से। यदि राहु अच्छी प्लेसमेंट में होगा, यदि राहु की महादशा में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है और राहु की अच्छी प्लेसमेंट होगी, यदि लग्न में बैठा है, जैसे यहाँ पे गुरु महाराज उच्च का हो या अपनी स्वराशि में हो, तो निश्चित रूप से राहु की महादशा में गुरु का जो अंतर होगा वो लाभदायक होगा। सवाल ये है कि उसकी अच्छी प्लेसमेंट हो, यदि अच्छी प्लेसमेंट हो गए और यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो या अच्छी स्थिति में हो, तो अच्छा ही फल देगा। राहु की महादशा में गुरु का अंतर, यदि गुरु स्वराशि का स्वनीच स्वराशि में हो सॉरी नीच का हो
राशि से मैं अस्त का हो, लग्न से 6, 8, 12 भाव में शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो उसके अंतर से मैं धनहानि, कार्य में बाधा, मानहानि, स्त्री पुत्र को कष्ट, हृदय रोग, राज्य से दंड आदि होगा। सिंपल बात है, ये फार्मूला हर जगह लगता है, हर ग्रह की महादशा में ये लगता है, कोई एक ये फार्मूला सर्व सामान्य फार्मूला है। राहु यदि नीच का होगा, अस्त होगा, अस्त का कब होगा, सूर्य से 3 अंश के अंतर्गत स्थित ग्रह अस्त कहलाते हैं। यदि मान के चलिए सूर्य 15 डिग्री का है और आपका राहु, आपका गुरु भी 15 डिग्री का है, या गुरु 12 डिग्री का है, या आप 3 डिग्री आगे कर लीजिए या पीछे कर लीजिए, यदि सूर्य 10 डिग्री का है तो, और 7 डिग्री या 13 डिग्री का भी आपका गुरु होगा, तो वो सूर्य से 3 डिग्री के आसपास होने के कारण अस्त होगा। अस्त ग्रह भी बहुत हानिकारक फल देते हैं। यदि गुरु आपका, देखिए राहु में गुरु यदि आपका 12वें स्थान पे हो, 8वें स्थान पे हो और 6वें स्थान पे हो, या फिर यहाँ पे नीच का हो, 10वीं राशि में गुरु मकर राशि में नीच का हो सकता है, तो भी बुरे फल देता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, वो भी आगे उपाय बताए गए हैं। राहु की महादशा में गुरु यदि दशापति से केंद्र में, त्रिकोण में, 11वें, 2वें, 3वें में या बलि हो तो भूमि प्राप्त, सुख, वाहन आदि का लाभ, लेकिन अंतरदशा के अंतिम समय में भाई माता को कष्ट होता है। यदि राहु केंद्र में, देखिए मैं सब केंद्र में बैठा कर लूँ, यहाँ ये सब केंद्र स्थान पे बैठा है, ठीक है, यदि 2वें स्थान पे, 3वें स्थान पे, 7वें स्थान पे, 9वें स्थान पे, 11वें स्थान पे, 12वें स्थान पे, यदि ऐसी प्लेसमेंट राहु की होती है तो निश्चित रूप से वो लाभदायक होता है। राहु यदि दशापति से राहु 6, 8, 12वें स्थान पे या पाप से युक्त गुरु हो तो उसकी अंतर्दशा में धनहानि, शरीर को कष्ट। यदि गुरु द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो अपमृत्यु भय होता है, उसके सांतीर्थ सोने की प्रतिमा बनाकर पूजा करें तो शिव की कृपा से आरोग्य लाभ होता है। शिव भगवान की पूजा की बात करता है। देखिए ये जो फॉर्मूला मैं पहले बताया था कि यदि राहु में राहु की महादशा हो उसमें भी ये फार्मूला था, और राहु में गुरु की अंतरदशा उसमें भी फार्मूला लागू होता है। यदि राहु में गुरु 6, 8वें, 12वें स्थान पे बैठा है, मैंने इसको बिठा रखा हूँ, 6वें, 8वें और 12वें स्थान पे बिठा रखा हूँ, और यदि ये पाप ग्रह हो, है ना, और तो ऐसी स्थिति में यदि ये यहाँ पे देखिए द्वितीयेश, ये 2रा स्थान और 7वां स्थान, इस स्थान से भी संपर्क करता हो, यदि यहाँ पे भी बैठा हो, जैसे मैं इसको यहाँ बिठा देता हूँ, ये धन स्थान पे बिठा दूँ या इसको यहाँ पे 7वां बिठा दूँ, तो भी वो मारक कहलाएगा। द्वितीय से सप्तमेश हो तो आप मृत्यु भर, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को जो है कष्ट होगा। अब ये कहता कि शांति उपाय के लिए सोने की मूर्ति बनाई जाए शिव की, ऐसे तो कलयुग में अभी हो नहीं सकता, लोगों के पास इतना धन नहीं है, तो आप शिव की पूजा कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जब अपने पास इतना धन तो है नहीं कि सोना करें। ये पहले ज्योतिष जो है राजा महाराजाओं की लिए हुआ करती थी, अब सामान्य आदमी ज्योतिष का के बारे में जानने लगा, पूछने लगा, तो सोने की मूर्ति तो राजा ही बना सकता था। कई जगह लिखा गया है कि रुद्री जप करना, अब रुद्री जप तो संस्कृत में किसी को बनता नहीं, इसी तरीके से काल परिस्थिति के अनुसार जो है हम कोई साधारण सा मंत्र पढ़ सकते हैं या नवग्रह स्त्रोत भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम ये सटीक नुस्खा था। ऐसे राहु में गुरु में शिव की पूजा के लिए कहा है, तो शिव सहस्त्र नाम या ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स ये राहु यदि गुरु महाराज शत्रु राशि में हो गए तो भी कष्ट देता था। शत्रु राशि बुध और शुक्र को गुरु का शत्रु माना गया है। इस तरीके से होरा शास्त्र में शांति के और भी उपाय बताए गए कि जप पाठ करने से लाभ होता है। जप पाठ का ही आप ज़्यादातर फायदा कीजिए। इसके बाद गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठन, रामायण गीता भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि भी पढ़ सकते हैं, कोई एक करे। ज़्यादा आप पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, ना इतना किसी के पास समय होता है। विष्णु सहस्त्र नाम एक अच्छा पाठ होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।